If you are a NEET aspirant, then this video is for you. अगर आप एक NEET aspirant हो और 2021 में आप NEET देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा फेमस और सबसे कुछ मतलब नॉट सबसे बट हाँ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, दैट इज GMC नागपुर। आज हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ जीएमसी नागपुर, मतलब कि जीएमसी नागपुर की एस्टैब्लिशमेंट क्या है, कितने फैकल्टीज हैं, कितनी सीट है। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2020 यानी कि लास्ट ईयर यहां पे कौन सी सीट कितने मार्क्स पर अलॉट हुई थी, मतलब लास्ट सीट अलग अलग कैटेगरीज में कितने मार्क्स पर अलॉट हुई थी। साथ में हम ये भी प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर आप 2021 यानी कि इस साल अगर आप अपनी एक सीट यहाँ पे देख रहे हो तो, और अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो या ऑल इंडिया कोटा से अपनी सीट देख रहे हो तो क्या वो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा जिससे आपको अपनी सीट इस कॉलेज में इजीली अलॉट होने के चांसेस बनेंगे। तो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, मैं विष्णुकांत सिंह, स्वागत करता हूँ आप सबका एडमिशन मीडिया में। अगर हम बात करें जीएमसी नागपुर दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की, तो ये कॉलेज ऑलरेडी NCI से रिकॉग्नाइज्ड, आप सबको पता ही होगा। ये अगर मैं बात करूँ एस्टैब्लिशमेंट ईयर की तो ये कॉलेज 1947, जी हाँ 1947 में इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्सेज ऑफर की तो यहाँ पे यूजी पीजी में अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि यूजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको BPT, MBBS, BSc नर्सिंग। इस बार मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इस बार आपकी जो नर्सिंग की भी एग्जाम होगी BSc नर्सिंग में जो एडमिशन दिया जाएगा वो भी आपके नीट मार्क्स के बेसिस पे ही दिया जाएगा। तो अपने आप अगर आप BSc नर्सिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें। अगर हम बात करें आगे कोर्सेज की तो BSc नर्सिंग, BPMT, डिप्लोमा, BOT, PG डिप्लोमा, MS, MD जैसे अनेक कोर्सेज अवेलेबल है। और अगर हम बात करूँ यहाँ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है कि यहाँ का 2020 में आई मीन लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था। तो पहले मैं बात करूंगा आपसे 85% स्टेट कोटा की। अगर मैं 85% स्टेट कोटा की बात करूं तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए जो लास्ट ईयर अलॉट हुई थी उसके लिए जो मार्क्स था वो था आपका 615 एंड द रैंक वाज 15546। फॉर ओबीसी कैटेगरी द मार्क्स वाज 605 एंड द रैंक वाज 18297। For EWS category, the marks was 596 and the rank was 24,258. For VJ category, the marks was 563 and the rank was 42,575. वहीं पे अगर मैं बात करूँ SC candidate की तो SC candidate को जो last year allowed हुई थी GMC नागपुर के अंदर उसके लिए जो marks था उनका वो था 476 and the rank was 1,04,357। वहीं पे एसटी कैटेगरी के अंदर जो लास्ट ईयर अलॉट हुई थी उसके लिए जो मार्क्स था वो था 397 एंड द रैंक वाज 1,92,831। फॉर एसटीपीएच द मार्क्स वाज 177 एंड द रैंक वाज 6,82,135। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अपना टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है रिगार्डिंग ऑन नीट MBBS काउंसलिंग। तो उसको आप सर्च करके अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि उसमें हम अपनी सारी लेटेस्ट वीडियोस साथ में आपके नीट MBBS काउंसलिंग आई मीन दिस ईयर के काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट चीजें रहेंगी या जो भी नया नोटिफिकेशन NTA द्वारा आएगा वो हम आपको टाइम टू द टाइम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ में आपको किसी अदर स्टेट या किसी और कॉलेज या किसी और काउंसलिंग के बारे में, किसी और कॉलेज के रिव्यू के बारे में जानना है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो या तो चैट में भी हमसे क्वेश्चंस करके आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। अगर अब मैं बात करूं आपसे 15% ऑल इंडिया कोटा की तो जीएमसी नागपुर के अंदर जो लास्ट ईयर अलॉट हुई थी जनरल के लिए उसके लिए जो मार्क्स था वो था 673, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द मार्क्स वाज 673 एंड द रैंक वाज 2437। For OBC candidate, the marks was 667 and the rank was 2,997. For SC candidate, the marks was 615 and the rank was 17,215. For ST category, the marks was 548 और जो mark उनका rank था, इस बच्चे का जो rank था, वो था आपका 61,347। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक important चीज बताना चाहूँगा
कि आप उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। साथ में हमने अपना पेड काउंसलिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी है। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग का फायदा उठाना चाहते हो तो उस पर हम अभी डिस्काउंट भी चला रहे हैं 15% का। नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके हमारी टीम से बात करके आप उसके लिए भी आप अपना एनरोल कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कि 2021 कट ऑफ की, लाइक अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या कट ऑफ रहेगा कि या वो क्या मार्क्स रहेगा, अगर आप स्कोर करते हो तो आपको इजीली सीट अलाउ होने के चांसेस यहां पर रहेंगे। तो पहले तो मैं आपसे बात करूंगा 85% स्टेट कोटा का, मतलब कि अगर आपका डोमिसिल महाराष्ट्र है और आप मार्क्स अगर अपने समवेयर कहीं 620 टू 650 तक अगर आप स्कोर करते हो, जी हाँ 610 से 650 तक अगर आप स्कोर करते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर यहाँ के रैंक नहीं बढ़ते, मतलब कि अगर इस बार का पेपर इजी आएगा तो आप सबको पता है कि रैंक ऊपर बढ़ेगा, बट अगर पेपर हार्ड आता है तो मार्क्स आपके मार्क्स और जो कट ऑफ रहेगा वो डाउनफॉल करेगा। तो अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं करता है, पेपर इजी नहीं आता है, इन दैट केस अगर आप अपना 610 टू 650 तक स्कोर करते हो तो जनरल कैटेगरी अंदर यहाँ पे सीट आपको अलॉट होने के बहुत ही अच्छे चांसेस बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।